दोस्तों आजकल कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा सड़क छाप चमन झंडू ये जितने भी वाहियात प्रकृति के ये जो प्राणी हैं ये कोई भी उठकर अपना ज्ञान दीपावली पर देने लगता है। अब सोचिए दीपावली पर इनके ज्ञान देने की वजह क्या है। वजह यही है कि जो ये सो कॉल्ड मुस्लिम लोग हैं ये दीपावली पर इसलिए ज्ञान देते हैं क्योंकि आप इनके त्योहार के ऊपर सवाल उठाते हैं कि ईद पर जानवरों को काटा जाता है, मारा जाता है, खून की नदियां बहाई जाती है, इसलिए ये आपके हिंदू फेस्टिवल दीपावली पर अटैक करते हैं। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी, हम नहीं गए थे ज्ञान देने, लेकिन इन्होंने दिवाली पर हमेशा ज्ञान देने की कोशिश की है, कभी बॉलीवुड के माध्यम से, कभी पॉलिटिक्स के माध्यम से, कभी ये जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड लोग हैं जो सेकुलरिज्म का नारा देते हैं। तो ऐसे ही एक अली सोहराब नाम का दो कौड़ी का सड़क छाप पत्रकार है जो अपने ट्विटर के बायो में लिखता है एक डरा हुआ पत्रकार, लेकिन ये इतना डरा हुआ है कि हिंदू फेस्टिवल के बारे में खुलकर अपनी नफरत को या हिंदुओं के लिए अपनी नफरत को हमेशा दिखाते रहता है। अब इसने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है कि दीपावली पर जानवर जो है वो बहुत डरे रहते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, इसलिए पेटा इंडिया को टैग करके ये लिख रहा है कि इस तरह के त्योहारों पर बैन लगाया जाना चाहिए। पहली बात, पेटा इंडिया और या जो पेटा हो, सेटा हो, कोई घेटा हो, इनको जानवरों की कोई नहीं पड़ी है, इतने सारे कत्ल खाने हैं, इतने सारे जानवर मारे जाते हैं और पेटा का ज्ञान भी सिर्फ हिंदी फेस्टिवल पर ही हमेशा दिखाई पड़ता है। पेटा का तो वो हंस रहे है कि वो जो दिया मिर्जा है बकरीद पर बकरा काट कर खाती है, पकाती है, लेकिन उसे ऐसे कई लोग हैं पेटा की तरफ से, इन्हें इनाम भी दिया जाता है, तो मैं पेटा सेटा जैसी चीजों को मानता नहीं हूं। दूसरी बात, ये अली सोहराब जो है हिंदू फेस्टिवल दीपावली पर ज्ञान तो दे रहा है, अब जानवर डरे हुए कि नहीं डरे हुए हैं, लेकिन इस तरह के कुछ जो उग्रवादी टाइप के जानवर हैं ये जरूर डरे हुए हैं। अब आप सोचिए कि इसकी सोच दीपावली पर ये है, लेकिन खुद के फेस्टिवल ईद पर ये क्या सोच रखता है वो सुनिए। कहता है कि ईद उल अजहा पर कुर्बानी करते वक्त अपने बच्चे बच्चियों को भी साथ रखें, उनसे बोटियां बनवाएं, उन्हें कुर्बानी का तरीका बताएं, उनसे जानवरों की खाल उतरवाएं ताकि उनके दिल से हर तरह का खौफ बाहर हो और वक्त आने पर वो जानवरों को आसानी से जिबा कर ले। किसी शान इरफान ने लिखा था, उसी चीज को इसने शेयर किया है। शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज के समर्थक हैं। अब आप सोच लीजिए कि ऐसे लोगों की सोच क्या हो सकती है। ये इनका काम ही होता है कि जब भी आपका कोई हिंदू फेस्टिवल आए उस पर इस तरह की बातें लिखे, उस तरह पे नफरत फैलाएं और गलत गलत चीजें करें। राजपाल यादव जैसे लोग जिनको लोग इतनी इज्जत दिया करते थे, जो खुद एक हिंदू है लेकिन सेकुलरिज्म का उसे सेकुलरिज्म का पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा हुआ है, ये चार फुटिया राजपाल यादव जिसको लोग सपोर्ट करते थे, अच्छा इंसान मानते थे, जो 5 करोड़ का घपला करके जेल भी जा चुका है, वो राजपाल यादव वो कह रहा है इशारे उशारों में कि भाई दीपावली पर पटाखे मत फोड़ो, जानवरों की जान जाती है और खुद जानवरों की बोटी काट काट कर खाता है ये बंदा। राजपाल यादव जैसे लोग जानवरों के खाने के शौकीन हैं और ये वो उस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं हालेलुया वाले जहां पर हिंदुओं का कन्वर्जन किया जाता है। अब राजपाल यादव जैसे लोगों को क्या ही सम्मान दिया जाना चाहिए, आप फिल्म का बॉयकॉट करो, कुछ भी करो, लेकिन रियल लाइफ में जब सामने मिले तो ऐसे लोग थप्पड़ खाने के लायक ही है। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के लोग हैं, आलिया भट्ट को ले लो जो कहती है कि जानवरों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दीपावली पर पटाखे ना फोड़े, लेकिन इसका खुद का पति गाय का मांस खाना इसे बड़ा अच्छा लगता है, गाय का मांस खाने का बहुत बड़ा शौकीन है। तो ऐसे दो कौड़ी के लोगों पर अपना ज्ञान ना दे, भले इनके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के इनके तरीके भी यही है कि हिंदू फेस्टिवल के ऊपर बोलो पैसे मिल जाएंगे, ट्वीट करो पैसे मिल जाएंगे, बस यही इनका अपना तरीका है, बाकी इनका किसी भी कोई भी जाति धर्म मजहब से लेना देना नहीं है।